कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है। इसके कारण हमें एक बहुत अपर हैंड मिला था। सैनिक शहीद हुए थे, उनकी याद में ये दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहती है। ये पाकिस्तान के वो बंकर्स थे जो पाकिस्तान आर्मी ने यूज किए थे उस टाइम पर। पाकिस्तान ने ना जो सैनिक थे इनकी बॉडी लेने से भी मना कर दिया था। भाई साहब, कारगिल से निकल चुका हूँ, अब अगला जो मेरा स्टॉप है दैट इज कारगिल वॉर मेमोरियल, जो पड़ेगा द्रास में, दैट इज 60 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। यह शिंगो रिवर, ये भी शायद आगे जाके उसके अंदर मिलती है, इंडस के अंदर। भाई इंडस के अंदर कितना पानी जाता है, पूरा कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। हाँ तो ये देखिए, श्रीनगर है यहाँ से 201 किलोमीटर, सोनमार्ग है 121, बाटल है 103 किलोमीटर और द्रास है 58 किलोमीटर। और ये राइट साइड में देखिए, इमाम खोमेनी, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर माने जाते हैं, उनकी फोटोज यहाँ पे आपको बहुत जगह मिल जाएंगी। इस सामने वाले पहाड़ पे बर्फ देखो कितनी ज्यादा आ रखी है। रोड बड़ा शानदार बन गया अभी है, लेह श्रीनगर हाईवे मस्त रोड है ये। भाई आई थिंक मैं द्रास पहुंच चुका हूं, और द्रास ये वही जगह है जहां पर कारगिल वॉर के टाइम पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। पाकिस्तान ने इस एरिया में बहुत ज्यादा शेलिंग की थी, शायद ये गाँव भी खाली कराने पड़े थे। विलेज गिरदयाल, ये द्रास एरिया के गाँव है, वैली पड़ती है ये पूरी। इधर जो टाइगर हिल है ना, आप लोगों ने सुना होगा टाइगर हिल के बारे में, तो टाइगर हिल इसी एरिया में पड़ती है, शायद अभी दिख भी रही हो, मेरे को पता नहीं है कि कौन सी एग्जैक्ट। ये पीछे वाली है या आगे एक और मस्त पहाड़ दिख रहा है, वो वाला है। भाई ये जो आपको सामने एक ही पैनी सी चोटी दिख रही है ना, हिल दिख रही है, दैट इज टाइगर हिल, और उसी के साइड में है राइनो हॉर्न हिल, और ये है सामने कारगिल वॉर मेमोरियल। जब आप कारगिल वॉर मेमोरियल में आएंगे तो आपको उसके सामने जस्ट पार्किंग मिलेगी, पेड पार्किंग है। तो अभी एक बार मैं वॉर मेमोरियल को घूम के आता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ खाने पीने वाला प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। कारगिल वॉर मेमोरियल, द रीजन बिहाइंड आवर फ्लाइंग इंडियन फ्लैग इज द विंड बिहाइंड इट, बट इट इज द ब्रीच ऑफ ईच एंड एवरी सोल्जर व्हिच कीप्स इट फ्लाइंग हाई। कैप्टन निकिजाओ कांग्रुसे, महावीर चक्र पोस्टमस, सेकंड राजपूत राइफल्स। आई थिंक नाम के हिसाब से ये मुझे लग रहे हैं ये अपने कैप्टन होंगे नॉर्थ ईस्ट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनको महावीर चक्र मिला था पोस्टमस, ये शहीद हो गए थे। और इधर हैं कैप्टन किशिंग क्लिफोर्ड नोंग्रम, ये थे 12th जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के। फिर इधर है कैप्टन अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र मिला था पोस्टमस, 17th जाट रेजिमेंट के, ये शायद अपने साउथ इंडिया से हैं। मेजर विवेक गुप्ता, ये सेकंड राजपूताना राइफल्स, ये मुझे लग रहे हैं अपने नॉर्थ इंडिया से, मेजर विवेक गुप्ता। यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ बना रखी हैं ये सब महावीर चक्र जिन सैनिकों भाई अपने जो जवानों को मिले थे, एंड सबको मरणोपरांत यानी पोस्टमस शहीद हो गए थे। इधर हैं डॉक्टर मेजर राजेश, और इधर हैं मेजर पद्मा पनी आचार्य राजपूताना राइफल्स के, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है शायद। ये थे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के, ये देखिए भाई 155 mm मिड हाउटसाइजर द बुफोर्स गन, द गनर्स फायर्ड ओवर 2.5 lakh राउंड्स ऑफ एम्युनिशन। भाई साहब ये है भाई बुफोर्स, मतलब कि अपने कारगिल वॉर जीतने में एक तो अपने जो इंडियन आर्मी है इसके जवानों का वो जज्बा, दूसरी ये आर्टिलरी बुफोर्स, इसके कारण हमें एक बहुत अपर हैंड मिला था। इवन दो जो पाकिस्तानी आर्मी है उन्होंने सारे के सारे हाई पॉइंट्स ले लिए थे, जब आपके पास हाई पॉइंट्स होते हैं तो आपके पास एक एडवांटेज होती है क्योंकि ऊपर से आप सारी चीज देख सकते हो, लेकिन अपनी इंडियन आर्मी के जज्बे और इन आर्टिलरी के कारण जो कारगिल वॉर था वो नेक्स्ट लेवल तरीके से हमारी आर्मी ने हैंडल किया और पाकिस्तान को एकदम नाको चने चबवा दिए थे। तो बेसिकली हुआ क्या था कारगिल वॉर के टाइम पर, ठंड के टाइम पे जितनी भी अपनी पोस्ट होती है ना वहाँ से जवान है वो नीचे आ जाते हैं, अगर एक्सट्रीम ठंड पड़ती है -30
40-50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता था दोनों के बीच में, जो लास्ट पोस्ट वहां पे थी वहीं तक कोई आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान में उस टाइम पे जनरल परवेज मुशरफ नए नए भाई आर्मी चीफ बन के आए थे, इनको ज्यादा वो हो रहा था, और उन्होंने फिर बहुत सारे एरिया में एनक्रोचमेंट स्टार्ट कर दी। उधर नुब्रा वैली साइड में तुरतुक तक आ गए थे, इस साइड दराज के काफी गाँव में काक्सर गाँव हो गया था, और इन गाँव में आर्टलरी और वो क्या होते हैं शेलिंग बोलते हैं ना शायद, भाई फायरिंग वायरिंग स्टार्ट कर दी थी। भाई यूं मान लीजिए ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर तक का एरिया उन्होंने अपना कैप्चर कर लिया था उधर तुर्तुक साइड से और इस साइड से। उसके बाद से फिर ऑपरेशन विजय कारगिल, भाई इन सारे की सारी चीजों को वापस रीगेन करना था सारी पोस्ट को। अब जैसे उधर जो वो टाइगर हिल दिख रहा है वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली थी, उसके आगे राइनो हॉर्न हिल है, और शायद इधर भी जो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ तक पहुंच चुकी थी। और पाकिस्तान का आर्मी का मेन मकसद था कि श्रीनगर ले हाईवे को ब्लॉक करना और लद्दाख सियाचिन वाले रास्ते को ब्लॉक करना, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और उधर है दिव्य ज्योति, जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में ये दिव्य ज्योति हमेशा जलती रहती है। ये पाकिस्तान के वो बंकर्स थे जो पाकिस्तान आर्मी ने यूज किए थे उस टाइम पर। भाई पूरी तैयारी के साथ आया था उस टाइम पाकिस्तान। आप लोगों को एक बात और बताता हूँ, पाकिस्तान ने ना अपने जो सैनिक थे इनकी बॉडी लेने से भी मना कर दिया था। आर्मी ने चाहे कुछ भी डिसाइड किया हो, लेकिन वो लोग पाकिस्तान के लिए शहीद हुए थे। किसी सैनिक के लिए कितनी गंदी बात होगी कि यार कि उसका देश उसकी बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना कर दे। और ऐसे बहुत से पाकिस्तानी सैनिक थे जिनकी बॉडी को अपनी इंडियन आर्मी ने दफनाया था। भाई एक बार सोचने वाली बात है कि इधर से श्रीनगर ले हाईवे जाता है और जस्ट इसके साइड में ये सारी की सारी हिल्स पाकिस्तान के थ्रू कवर्ड थी। उधर रहेगी टाइगर हिल, रैनो हॉर्न हिल और साथ में बत्रा टॉप। और ये तो सिर्फ द्रास वाला सेक्शन है। वैसे द्रास वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, शेलिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे हुई थी, लेकिन बटालिक जो आर्यन वैली है वहाँ भी काफी नुकसान हुआ। बटालिक वाले सेक्टर में वो भी कैप्चर कर लिया था। और फिर आप थोड़ा और आगे जाएंगे नुब्रा साइड सियाचिन ग्लेशियर के पास, वहाँ पे तुर्तुक गाँव, वहाँ तक भी पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया था। एक चीज देखिए आपने, जब भी अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ा बहुत दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, हमेशा पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा है, और खास करके पाकिस्तानी आर्मी ने। 1999 का एग्जांपल है, अपने प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए, उसके कुछ टाइम बाद ही ये अटैक हो गया था। और आई थिंक 2008 में भी, मैं अगर रॉन्ग हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, जब अपने प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह वो भी शायद उस टाइम पाकिस्तान जा गए थे। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को याद आ रहा है कि किसी ने रेफरेंस दिया था, तो उस सेंस में बता रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। तो वो उस टाइम पाकिस्तान गए थे और उसके जस्ट कुछ टाइम बाद अपने इंडिया के ऊपर एक अटैक हो गया था, 2008 मुंबई अटैक्स, दैट वाज पूरा का पूरा पाकिस्तान ने करवाया था। नरेंद्र मोदी जी भी जब पाकिस्तान गए थे तो उसके बाद पुलवामा अटैक हो गया था। तो जब जब इंडिया ने दोस्ती के हाथ बटाए हैं, हमेशा पाकिस्तान ने बहुत गंदे तरीके से उसका वो किया है। पता नहीं यार यहाँ की जो धूप है ना वो अलग तरीके से चुभ रही है। और अभी एक दो लोकल बंदों से मेरी बात, इन्होंने बताया था कि कुछ आर्मी के जो बंदे थे पाकिस्तान आर्मी के वो इधर तक आ गए थे। अब इसको मैं श्योर नहीं कर सकता यार कि ये बात सही है गलत है, क्योंकि लोकल्स के साथ मेरा उतना ढंग से इंटरेक्शन हुआ नहीं। एक दो बंदों की बात पर मैं शायद मान नहीं सकता, क्योंकि इधर तक आ गए थे फिर तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि श्रीलंकर ले हाईवे तो इधर ही है। बाकी हो भी सकता है यार। ये था कारगिल वॉर मेमोरियल, जो हमारे जवान जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा की, उन सभी की याद में ये कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। और इसके अंदर एक काइंड ऑफ मिनी डॉक्यूमेंट्री जिसकी आवाज दी अमिताभ बच्चन ने, और पूरी कहानी को समझाया कि भाई कारगिल वॉर किस तरीके से हुआ, कैसे लड़ा गया, और किस तरीके से जो हमारी अलग अलग रेजिमेंट थी, जैसे नागा रेजिमेंट, आई थिंक राजपूताना राइफल्स भी थी, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट एंड गुरखा, और किसी रेजिमेंट का नाम बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये वाली रेजिमेंट जो मेरे को याद आ रही जिनकी यहाँ पे वर्णन था, बाकी और भी रेजिमेंट थी लेकिन उन रेजिमेंट का मैं नाम बोल रहा हूँ। लेकिन कारगिल वॉर के बाद अपनी इंडियन आर्मी को ये समझ आ गया था कि भाई पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इस कारण से जो अब अपनी पोस्ट है वो हमेशा एक्टिव रहती है। शायद एक्सट्रीम कंडीशन में भी हम उन पोस्ट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा नेबर और खास करके जो हमारी नेबर आर्मी है वो कुछ ज्यादा ही, आपको पता है कैसी है। और अब मैं जो मेरी कश्मीर की तरफ की जर्नी है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो भाई और बहनों, राइट साइड में जो आपको हिल्स दिख रही होंगी, दैट इज टाइगर हिल, जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली थी 1999 में, लेकिन फिर अपने इंडियन आर्मी ने मस्त एफर्ट दिखा के हिल को फ्री करवाया और ऑपरेशन विजय के थ्रू हमने कारगिल वॉर को विन किया। और अब मैं लद्दाख को गुड बाय बोल के एंटर करने जा रहा हूँ कश्मीर के अंदर। लेकिन कश्मीर में एंटर करने के लिए पहले मुझे जोजिला पास को क्रॉस करना पड़ेगा, और जोजिला पास अभी शायद मेरे से 40 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद आएगा सोनमर्ग। मेरा वैसे अभी प्लान तो है श्रीनगर में रुकने का, लेकिन अगर मान लो श्रीनगर में नहीं पहुंच पाया तो मैं सोनमर्ग में रुक जाऊंगा। सोनमर्ग इस रूट के ऊपर सबसे पहले बड़ी सिटी आएगी कश्मीर की। जैसे ही जोजिला टनल को क्रॉस करूंगा ना मैं, जो नजारे हैं, जो वादियां हैं, वो एकदम चेंज हो जाएगी।
और ये देख लीजिए भाई, बलटल है 47 किलोमीटर, जोजिला पास है 39 किलोमीटर और श्रीनगर है 149, सोनमर्ग 63। तो देखते हैं भाई कहां तक पहुंच पाते हैं आज। आई थिंक भाई ये एंट्री पॉइंट है जोजिला पास का, इधर बर्फ नेक्स्ट लेवल जमी हुई है। इस वाले पहाड़ पे नहीं, इससे अगले पे देखो पूरा धोला हो रखा है, व्हाइट, जैसे किसी ने व्हाइट वॉश कर दी हो भाई, किसी ने पेंट कर दिया हो यार, पेंट भी चलो पुट्टी मार दी हो धोली। सनसेट हो चुका है, गूगल मैप्स ने भी अपनी नेविगेशन को डार्क मोड में कर दिया है। यहीं से निकल रही है अपनी प्यारी सी जोजिला टनल। इधर भाई नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है, ट्रक व्रक उसके अंदर से टनल के अंदर से निकल रहे हैं। इसको आप बोल सकते हो ईस्ट साइड ऑफ जोजिला टनल। हाँ भाई पास आ गया है, ऊपर चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। कोई नहीं यार, थोड़ा बहुत तो जोजिला पास को देख पाया हूँ ढंग से। जस्ट अभी नीचे से निकलेगी अपने टनल, 1 2 3 एग्जैक्ट इधर से। हाँ जी भाई, तो एग्जैक्ट इधर से एंट्री हो रही है और एग्जिट हो रहा है जोजिला टनल का, और अब जोजिला पास भी स्टार्ट हो गया। खींच दे भाई, खींच दे। भाई जोजिला पास पे चल रहा हूँ, रास्ता यहाँ पे थोड़ा खराब है यार, अब जाके ठीक आया है, पहले तो बहुत ज्यादा खराब था। और ये अब जो रास्ता है ना, ये भी टार नहीं बिछा रखी, वो ब्लॉक्स नहीं आते हैं, ब्लॉक्स का रोड है ये। ये भाई शायद टनल के कंस्ट्रक्शन के लिए ही पूरी ये फोज सी बिछी हुई है, पूरा शहर सा बना दिया है भाई। मस्त तरीके से काम चल रहा है भाई इधर, नेक्स्ट लेवल। ट्रक बहुत आ रहे हैं यार, बहुत ज्यादा ही। मेरे हिसाब से जो अभी कारगिल साइड और ले साइड जो स्टॉक करने वाला काम चल रहा है ना, इस कारण से ट्रक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। शायद 10 से 15 दिन बाद ट्रक ये बंद हो जाएंगे, और उसके बाद कम से कम 4 से 5 महीने ये रास्ता पूरा बंद रहेगा। यू मान लीजिए लेह लद्दाख पूरे ऑल इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा, ओनली वे थ्रू विल बी थ्रू फ्लाइट्स। ये देख लीजिए भाई साहब, पहुंच चुका हूं मैं तो जोजिला पास के ऊपर। मुझे लगा कि 4000 के आसपास एलिवेशन होगा, ये छोटा सा एलिवेशन है यार। पर भाई ये भी इतनी तेज बर्फ जम जाती होगी तो अच्छा, इसी कारण से रास्ता बंद होता ही है। ठीक 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 है जी। ये देखिए भाई जोजिला पास के ऊपर ऐसा माहौल है, एक पहाड़ की साइड मस्त बर्फ जमी हुई है और दो चोटियों के पीछे चांद निकल रहा है, और उधर आगे की तरफ जाना है, मस्त धूल उठ रही है और इन्हीं के नीचे से जा रही है जोजिला टनल। चले भाई बाहर, मौसम इतना ठंडा तो नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा ठंड देख चुके हैं अपन। बाहर का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस। तो चले भाई करते हैं आगे की तरफ, जल्दी उसको स्टार्ट। तो जोजिला पास को कवर कर लिया है आपके भाई ने, अब आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भाई रोड के साइड में पाइन ट्रीज दिखने लग गए हैं, और भाई ये पेड़ पौधे देखे हुए बहुत टाइम हो गया था। यू मान लीजिए जब से रोहतांग पास क्लियर किया था ना, रोहतांग पास के बाद पेड़ पौधे बहुत कम दिखते हैं, एकदम से सब चीजें चेंज हो जाती हैं। इधर भाई जोजिला टनल का जो ईस्ट सेक्शन है ना, ईस्ट वाली एंट्रेंस वो है श्रीनगर 95। सोनमार्ग रह गया 10 किलोमीटर, अब तो सोच रहा हूँ आज रात को सोनमार्ग में स्टे कर लूं। जोजिला के लिए ना यार मस्त चीजें बन रही हैं, ऊपर से ये ब्रिज भी बन रहा है शायद बड़ा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो। आने वाले टाइम में लद्दाख के लिए रास्ता बहुत प्यारा होने वाला है यार, मेरे हिसाब से लद्दाख के लिए ट्रेन भी जाने वाली है, ट्रेन भी जाएगी शायद श्रीनगर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्यों सुना था मैंने। और अगर एक बार ट्रेन चलनी कनेक्ट हो गई भाई, फिर तो सारी चीज नेक्स्ट लेवल ही हो जाएंगी। सोनमार्ग तो आ गया है, गाइस मेरा जो सोनमर्ग में प्लान था ना रुकने वाला, उसको कैंसिल करके अब मैं सीधा श्रीनगर ही जा रहा हूँ। श्रीनगर में गाड़ी की सर्विस करवानी है यार, तो श्रीनगर पहुंच के फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी श्रीनगर है 56 किलोमीटर, 9 बजे पहुंचूंगा मैं श्रीनगर रात के। भाई साहब आपका भाई श्रीनगर में पहुंच चुका है, थोड़ा लेट हो गया, रास्ते में खाना वाना खाने लग गया था मैं, तो उस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया। 10:30 बजे मैं जो मेरा गेस्ट हाउस वहां पहुंच जाऊंगा, बीच में एक और होटल में गया मैं, और वो भाई होटल मुझे अच्छा लगा नहीं, लेकिन खाना मेरा हो चुका, ये अच्छी बात है, तो खाने वाने का वो देखना नहीं पड़ेगा।